सर्वजी आपने गुलाम भगवान ये भगवान की कृपा भगवान की कृपा को तो रुपये समझो एक तो कोई एक आदमी गया था और उसको भूख लगी थी प्रसन्न आदमी शांत कर जा रही एक घर में गया महात्मा जी हमारे घर में ठाकुर जी का भोग लगा हुआ है और पूरी तरकारी चावल दाल परमान्न सब तैयार है आप खाएंगे या अपने आप बनाएंगे यदि साथ ही साथ वो बैठ गया जो भोजन कर लिया एक बात ये बना बनाई खाए और यदि अपने बनाओ गए तो कहते हैं मैं तो ब्राह्मण हूं मैं दूसरों का बनाया हुआ भोजन भोग नहीं लगाता खाता नहीं तो ठीक है उसने चूल्हे को लुट दिया चावल दिया दाल दिया घी दिया चूल्हे को भी जला दिया उसको पटुआ भी चढ़ा दिया और सब उपकरण साग सब्जी घी तेल मसाला सब उसको दे दिया और भाई ऐसे ही भगवान की कृपा से साधु का संग मिलता है और साधन में उनकी इत्यादि होती है कदामी बुद्धि योगम भगवान की कृपा से वो साधन नहीं बनेगा आप लोग तो कर रहे हैं जब तक अभी भगवान की पूरी कृपा नहीं होगी तो साधन में मनी नहीं लगेगा साधु संत नहीं मिलेंगे साधुओं का संग भी नहीं मिलेगा इसलिए ये साधन से भी जो हम कर रहे हैं इसमें भी भगवान की कृपा है अपने द्वारा साधु संग नहीं मिल सकता साधन में रुचि भी नहीं मिलेगी भक्ति लता की विधि नहीं मिलेगी इसलिए साधन भी जो है ये भगवान की कृपा से ही ऐसे भी सुलभम क्लौं सुकल्पम रूपकर्मधारणम् मया कुकुलेन नमस्कृते भगवान् भवाब्धिं न तरेत् सह भगवान ये सब और दूसरा क्या है साक्षात रूप में भगवान की कृपा कैसे हमारे गुरु जी थे स्वरूप उन्होंने सारा विगत भगवतामृत खंड वाला बतलाया और सुन करके सब उनको समझ में आ गया किंतु उपलब्धि नहीं हुई उपलब्धि नहीं हुई तो क्या किया लो तुम्हारे सिर पर हाथ रखा और मेरी कृपा से तुमको उपलब्धि हो और जहां सिर पर हाथ रखा देखा क्या कि वृंदावन से इस भौम वृंदावन से एकदम नजर कहां चला जा रहा जाते जाते देखा मैं ब्रज में आ और उसको जो कुछ बदलाया था भक्ति का वो सब उसके उपलब्धि हो गई ये बना बनाई थी उसको कोई साधन भी नहीं करना पड़ा परीक्षित महाराज जी ने अपनी मैया उत्तरा को भागवत की कथा उसमें बतलाई बृहद भागवतामृत और उनको साधन क्या करना परीक्षित महाराज जी ने कौन सा साधन किया साधन तो भागवत सुना वैसे तो सभी लोग करते हैं क्या किया यह सुखदेव गोस्वामी की कृपा सुखदेव की कृपा ये भगवत कृपा है भगवान की कृपा से सुखदेव जी उनके पास में पहुंचे इसलिए दो चीज हुआ एक साधन वो भी भगवान की कृपा और साधन का परिश्रम और दूसरा हुआ भगवान की कृपा ये दो अंगुल है जब तक ये दो अंगुल नहीं मिलेंगे आप वैसा साधन नहीं करेंगे जैसे कि कृष्ण मिलते हैं उनका चित्त द्रवित होता है तो भगवान नहीं
वशीभूत नहीं होते। और दूसरी भगवान की कृपा नहीं होगी तभी नहीं होगा वो। अयम आत्मा प्रवचनी लभ्य नायम आत्मा प्रवचनी लभ्य सवेद अहम नाशते न जमये वेश तेन एव लभ्य जस्य आत्मा भी प्रणुते त्वं स्वाम। स्वाम माने कृष्ण स्वयं। जब तक की कृपा करके उसको ग्रहण नहीं कर लेते तो ग्रहण करेंगे किसको? ऐसा होगा तब तो, जब तक नहीं ग्रहण करेंगे तब तक भैया नहीं होगा। इसलिए दो चीजें भी निष्कर्ष ये निकला अपना साधन का मर्श, जिससे कि वो नंदन नंदन यशोदा नंदन राधा कांत गोपी कांत राधा कांत का चित्र और तब जो माया इत्यादि सब हट जाएगी। और दूसरा भगवान की कृपा कि द्रवित हुआ ऐसा साधन का परिश्रम देखा। ये दोनों दुआ ऐसा साधन होगा तब तो ये यशोदा नंदन भक्ति के द्वारा शरीर बची दूर हो जाएंगे। कुछ अधिक प्रयास नहीं करना, कोटि कोटि वर्ष की तपस्या की अपेक्षा नहीं रखनी। ये दो चीज इसको दो रूपों में बतलाते हैं, बड़ा मंगल है और चला मंगल है। रामायण के विचार से मरकट न्याय और मार्जा, बिल्ली को कहते हैं मार्जा और मरकट कहते हैं बंधन। बंदर क्या करता है? जब कहीं से जाता है तब बंदरी का जो छोटा सा बच्चा वो दौड़ करके बस उसके या तो यहां पर पकड़ता है या ऊपर चढ़ करके अपने पैरों से और हाथों से पकड़ करके अपने पेट से भी चिपक जाता है। और बंदरी कुछ नहीं करेगी, उन्हें पकड़ेगी, वो एक पेट से दूसरे पेट पर छलांग मारते हैं। यदि बच्चा गिर गया तो कभी नहीं लेगी, फिर नहीं लेगी। इसलिए बच्चा को जोर से पकड़ता है। और बिल्ली क्या करती है? बिल्ली का बच्चा म्याऊं करता है और बिल्ली उस बच्चे को अपने मुख से पकड़ करके जहां इच्छा ले जाती है, कुछ नहीं करेगा। जब भगवान की कृपा से भगवान मिलते हैं तो हमको कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है। भगवान हमको बिल्ली जैसे अपने बच्चों को पकड़ कर ले जाती है वैसे पहुंचा दे। एक तो ये विचार भगवान है भैया बिल्ली और हम है बच्चे, हमको कोई साधन प्रयोग की जरूरत नहीं है। जब भगवान की कृपा होगी तो भगवान नहीं मिलेंगे। और दूसरा बंदर का बच्चा वो अपने आप पकड़ता है, बंदरी को कुछ नहीं पकड़ना। तो हम साधन के द्वारा भगवान को पा जाएंगे, ऐसे जिसकी बुद्धि है उसके द्वारा नहीं मिलेगी। दोनों का मिलन होना चाहिए। महाप्रभु जी ने कहा ऐसे नहीं होगा, एक कुएं में आदमी गिर गया रस्सी डाल रहे हैं, ये रस्सी डालना भगवान की कृपा है, वो किंतु पकड़ता नहीं, हम नहीं पकड़े। तो भगवान की कृपा वो कैसे उठा करके लाएगा? इसलिए रस्सी को हम भगवान की कृपा से लगता है हम उस कृपा को पकड़ेंगे तो ऊपर चले आएंगे। भगवान की कृपा को भी समझना उपलब्धि करना ये भी शास्त्र में है। तो ये दोनों होकर के चलेंगे तब भक्ति होगी, अन्यथा नहीं। इन चीजों को समझ करके भक्ति में महापुरु जी का विचार है, हमारे आचार्यों का विचार है। और इस उपाख्यान में यशोदा दामोदर उपाख्यान में इस चीज को दिखलाया है। एक बात और अच्छी तरह से समझो, जब ये उपाख्यान में बताया गया दृष्ट्वा परिश्रम कृष्ण कृपया शीत स्वबंधन, यशोदा जी का परिश्रम देकर के कृष्ण बंधन में आए। यशोदा जी एक साधक है और कृष्ण भगवान है, कृपा करके उनका परिश्रम दे करके वशीभूत हो गए। बात ठीक है कि गलत है? गलत है, संपूर्ण गलत है। कैसे गलत? यशोदा जी कोई साधक है, नित्य सिद्ध करने से भी पूर्ण होगा, क्या करना होगा उनको? नित्य माता है,
राधिका जी की प्रकाश है। राधिका जी में जो वात्सल्य भाव है वही मूर्तिमान यशोदा मैया है। स्वरूप शक्ति राधिका जी उनमें सारे भाव है, उस सारे भाव में माधुर्य भाव जो राधिका जी का महाभाव मादन स्वरूप मोदन भी नहीं मोदन से भी ऊपर मादन, और उसमें ऐसा कोई भी भाव नीचे से ऊपर तक श्रद्धा से लेकर के पांचों प्रकार के रस और जितने भी हैं और स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव तक जितना भी है जो उसके लिए सब कुछ उसमें से राधा जी का वह भाव जो वात्सल्य है उसका मूर्तिमान विग्रह कौन है नित्य, इसलिए यशोदा जी कृष्ण की नित्य मैया है। परिश्रम करके उनको बात करना नहीं ये समझो, किंतु क्यों कहा गया ऐसा हाँ क्यों गया क्योंकि तो नहीं कहने से जगत में ऐसा कोई उदाहरण ही नहीं है इसलिए ये कहा। नहीं तो यशोदा जी परिश्रम कर दिया और कृष्ण को बांध लिया और कृष्ण दरिद्र हो गए, यशोदा जी का नक्ष बड़ा नक्ष उनको गोदी में ली और आंगन में कृष्ण क्या कर रहा लोट पट रहा और यशोदा जी का खबर था आज तक तुम्हारी गोदी में दूध दे दिया। अच्छा इसमें कौन सा परिश्रम है जो उनको खूब परिश्रम हुआ तो क्या अश्विन को बंधन हो गए है क्या परिश्रम कर उनका यह नित्य ही ऐसा भाव है जो कृष्ण को बांध कर रखती है किंतु हम लोगों को समझाने के लिए साधक जीवों के लिए सुखदेव गोस्वामी ने या हमारे हमारे इसको देखा नित्य लीला से अवस्थित तो कोई उपाय नहीं है साधक इसलिए सिद्धांत इत्यादि का जो वर्णन किया गोपियों का भी वर्णन किया गया शासन जैसा दिखा कर गोपियां रो रही ठीक है अरे भाई भाषा का मल सब होता है इसमें भी मल है भाषा का गोपियों का रोना देख करके कृष्ण उनके सामने प्रकट हो गए। जब ठीक है भागवत ने तो कहा ये ठीक है ऊपर से लगना किंतु हम लोगों को समझाने के लिए कहा जो अपराकृत प्रेम का जो भाव है इस जगत में इस जगत की भाषा के द्वारा इसको प्रकाश नहीं किया जा सकता इस चीज को समझो, इसलिए बोलने से कुछ ना कुछ मल रहेगा ही माया का क्योंकि हम लोग माया में हैं चित उपलब्धि नहीं होगी इसलिए इसका साधन करके भजन करके माया जितनी दूर दूर होगी दूर दूर होगी उतने उस चीज अपराधिक चीज की उपलब्धि होगी नहीं होगी ऐसा कोई उदाहरण ही नहीं है जिसके द्वारा ऐसा हो गया ऐसा कोई उदाहरण ये सब साधन के द्वारा समझना हो कोई भी चीज भक्ति विनोद ठाकुर ने मना किया ये सब समझने के लिए अधिक चेष्टा अधिक करो बुद्धि का प्रसर्थ मत करो क्या करो साधन भजन साधन भजन नहीं कहेगा हम लोग जो अपना जो कुछ हम कर रहे हैं अपने भाव के अनुसार में हम अपना भाव उन लोगों को कैसे दे सकते हैं संभव है अपने भाव के नहीं समझे करके उसकी उपलब्धि कैसे होगा ये बहुत समझ हम शास्त्रों की बहुत सी बातें कर देंगे उद्धव की बातें गोपियों की बातें कर देंगे अभी सिद्धांत का भी बदला न दाई के और ये सब हम कर देंगे किंतु कहते कहते हमारा चित्त द्रवित ही नहीं होता क्यों नहीं द्रवित होता है कुछ कारण आंखों में से नेत्र में पानी नहीं आता नहीं मन गलत आश्रय धारा नहीं होता क्यों ताते आप आते अपराधे उस नाम बीज का नाम है भाई मुस्लिम बात तो है कि तो इसके लिए साधन करो कहना ही जैसे इससे नहीं है हम जैसे हम लोगों से भी अधिक फर्गुला फर्गुला ने क्या फर्गुला
और राम स्वरूप है ना, उसके जो पात्र बनते हैं छोटी छोटी गोपियां, इसलिए बुलाया गया है आप लोग। इस चीज को समझो बुझो और ऐसा साधक बजन करो, नए महात्मा प्रवचन ऐसा साधन करो। कैसे साधन करो? इसी के लिए बताया महाप्रभु का अंतिम विचार आज ही पर।